गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आज एनिमल्स के होम के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हमें अपने होम में फुल सिक्योरिटी एंड कंफर्ट मिलता है, वैसे एनिमल्स भी अपने लिए होम बनाते हैं और इस होम में वो अपने एनिमीज से पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और उन्हें कंफर्ट भी मिलता है। किसी का भी होम उसे हीट, कोल्ड, रेन एंड गर्मी से एंड एनिमीज से बचाता है, वैसे ही एनिमल्स का होम भी उन्हें सर्दी, गर्मी, रेन एंड उसके एनिमीज से उसको बचाता है। कुछ एनिमल्स अपना होम खुद बनाते हैं, लेकिन जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग एंड कैट, उनको हम जब अपने घर में रखते हैं तो उनके होम हम खुद बनाते हैं। लाइक काउज एंड बफलो को हम जब अपने घरों में रखते हैं तो उनके घर हम खुद बनाते हैं, और ये घर हर एनिमल के लिए कुछ स्पेशल होते हैं और उन्हीं स्पेशलिटी के बेसिस पर हर एनिमल के होम का नाम अलग अलग होता है। तो चलिए हम एनिमल्स के होम के बारे में स्टडी करते हैं। लेसन 4, होम्स ऑफ एनिमल्स। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड शेल्टर। अ शेल्टर प्रोटेक्ट्स एनिमल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन एंड एनिमीज। A shelter also protects the young ones of animals which are helpless. अब बेटा, हमें पता है जैसे हमें सर्दी, गर्मी और हमारे एनिमीज या फिर बारिश से हमारा घर बचाता है, वैसे एनिमल्स को भी सर्दी, गर्मी, बारिश या उनके एनिमीज से उनका घर बचाता है। अब कुछ एनिमल्स जब अपने बच्चे देते हैं या फिर अंडे देते हैं तो वो बच्चे जो होते हैं वो तो बहुत ही हेल्पलेस होते हैं। जैसे कि बर्ड के बच्चे तो उड़ भी नहीं सकते, तो जब किसी भी एनिमल के यंग वंस होते हैं तो वो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, तो उनके लिए उन्हें एक स्पेसिफिक होम बनाने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली अपना होम नहीं बनाते, लेकिन जब उन्हें बच्चे देने होते हैं और या रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो अपना एक होम क्रिएट करते हैं। सम एनिमल्स मेक देयर ओन शेल्टर व्हाइल सम अदर डिपेंड्स अपॉन नेचुरल शेल्टर्स। Humans make shelter for themselves and for the domestic animals. अब देखिए बेटा, कुछ एनिमल्स अपना होम बनाते हैं, जैसे कि बर्ड बनाती है और रैट बनाता है और रैबिट बनाते हैं, ऐसे कुछ एनिमल्स अपना होम बनाते हैं। पर कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, नेचुरली जो प्लेसेस हैं उन्हीं पर रहने लगते हैं, जैसे कि मंकी ट्री पर रहते हैं, और बर्ड्स भी जब इसे बच्चे नहीं देने होते तो ये भी नॉर्मली ट्रीज में ही रहती है। टाइगर एंड लॉयन ये किसी केव में या डेन में रहते हैं। तो कुछ एनिमल्स अपना होम बनाते हैं और कुछ नेचुरल जगहों पर ही अपना होम बना लेते हैं। अब हम जिन एनिमल्स को पालते हैं, उन्हें अपने घरों में रखते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल होम हम बनाते हैं, और ये जनरली डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, लाइक हम अपनी काउज के लिए, बफेलो के लिए या अपने हॉर्स के लिए एक स्पेसिफिक होम बनाते हैं, और इन होम्स के भी नेम्स होते हैं। Shelters of different animals are known by different names. Humans make their own shelter, known as house. Cows are kept in a cattle shed. Horses are kept in a stable. Dogs are kept in a kennel. Fishes are kept in an aquarium. देखिए बेटा, वैसे तो फिश पानी में रहती हैं। पानी उनका नेचुरल होम है, लेकिन जब हम फिशेस को अपने घर में लाते हैं
तो हम उनके लिए स्पेशल एक केस बनवाते हैं जिसके अंदर पानी होता है और उसमें उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मतलब थोड़े से उसमें प्लांट भी रखते हैं, पूरा एक सिस्टम ऐसा उसको देते हैं जहाँ पर कि फिशेज अच्छे से सर्वाइव कर सकें। डॉग को हम अपने घर में रखते हैं तो उसके लिए कैनल बनाते हैं, काउ एंड बफेलोज को अपने घर में रखते हैं तो उनके लिए शेड बनाते हैं, जो लोग हॉर्सेस को पालते हैं वो उनके लिए स्टेबल बनाते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स के स्पेसिफिक होम्स हम खुद बनाते हैं और ये स्पेशली उन एनिमल्स के लिए होता है जिन्हें हम अपना पेट बनाते हैं या फिर वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। Hens are kept in a coop. Birds are kept in a cage. Lions and tigers live in some hidden places in the rocks in jungles. This place is known as den. Monkeys live in groups on trees. Rats make holes in the ground. देखिए बेटा, अब हमने और डिफरेंट एनिमल्स देखे लाइक लायन, लॉयन एंड टाइगर्स। ये कहीं भी केव जैसा बना होता है, कोई गुफा जैसी होती है तो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लॉयन की गुफा जो होती है वो जनरली छोटी गुफा को ऑक्यूपाई करते हैं जैसे हम डेन कहते हैं, लेकिन केव्स काफ़ी बड़ी बड़ी गुफाएँ होती हैं और इन्हीं केव्स में टाइगर रहते हैं। अब केव्स में और भी एनिमल्स रहते हैं लाइक बेयर, ये एनिमल्स एन आउल, ये भी केव में रहते हैं। अब हम लोग रैट को देखते हैं, रैट अपने लिए बिल खुद बनाता है, होल्स बनाता है। कभी कभी इन रैट का होल कुछ अदर एनिमल ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वो एनिमल होता है स्नेक। स्नेक कभी भी अपना होम नहीं बनाता, वो किसी दूसरे रैट के बनाए हुए होल को कब्जा कर लेता है, वो उस होल को ऑक्यूपाई कर लेता है, रैट को खा लेता है और उसके बिल में खुद रहने लग जाता है। Rabbits make burrows. Snakes live in the holes made by other animals. Ants live in groups in an ant hill. देखिए, एंट भी अपना मड से एक होम जैसा बनाती हैं और इसे एंट हिल कहते हैं। और स्नेक, जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया, अपना खुद का होम नहीं बनाता बल्कि किसी दूसरे एनिमल के होम में उनके बनाए हुए बिल में रहने लग जाता है, पर रैबिट अपना होम खुद बनाता है। हनीबीज लिव इन ग्रुप्स इन अ हाइव। टर्माइट्स मेक टर्माइट हिल्स इन द वुड्स। टर्माइट्स यानी दीमक, वो लकड़ी में अपना घर बनाते हैं जिन्हें टर्माइट हिल्स कहते हैं। और ये कभी कभी हमारे घरों में जहाँ सीलन होती है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पर हमारे घरों में भी दिख जाते हैं। ये लकड़ी, बुक्स, ऐसी चीज़ों को खाते हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बीज, डिफरेंट टाइप ऑफ बीज जो होती हैं वो अपना हाइव बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं और वही उनका घर होता है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने डिफरेंट एनिमल्स के होम्स के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। ओके, थैंक यू।